ये पार्सल मीशो से मिला था और खोलते वक्त दिव्या रोई थी, तो आपको याद आ गया ना, ये शूरेक वाला ही पार्सल है और इसको दिव्या ने ही सेट किया था। तो अब इसकी प्राइस बताने और इसमें जूते भरने की बारी आ गई। जूते रखते वक्त मैंने इतने सारे फेरबदल किए थे कि अगर मैं बोलने लगूंगी तो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। तो आपको एक रियलिटी सुनाती हूँ, जब हम पढ़ते थे ना तो मेरे पास एक स्कूल के जूते और एक घर के स्लीपर इतने ही हुआ करते थे, और अगर कपड़ों की बात की जाए तो एक यूनिफॉर्म और एक घर पर लहंगा चोली पहनने के लिए और एक सलवार सूट जो हमेशा नहीं रहती। तो जब बाहर जाते तो वो सलवार सूट और स्कूल के जूते पहन के जाते, और स्कूल जाते तो स्कूल के जूते और यूनिफॉर्म जिंदाबाद। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम बहुत ज्यादा गरीब थे, पढ़ाई के लिए पैसे मिलते थे लेकिन इतने भी नहीं कि हम अपने फालतू के शौक पूरे कर सके। मुझे हील्स और कपड़ों का बहुत शौक था, तो मेरा एक सोचना था कि मैं अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करूं। जरूरतों के लिए परिवार पर निर्भर रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शौक उतना ही पालो जितनी खुद की औकात है। तो इस शूरेक की औकात भी मैं इतनी नहीं समझ रही थी। सारे के सारे जूते आ गए हैं, वैसे कुछ जूते मैंने बाहर रखे हैं, पुराने वाले ऊपर वाली रैक में रखे हैं, और 700 में ये शूरेक मुझे पड़ी थी। तो अब आप घमुसरण चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय।